और वीडियो में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर डिवाइस ये चैप्टर में ना, ये ओनली 5 मार्क्स के लिए चैप्टर है, 5 या 4 मार्क्स इन दोनों में से, और के लिए 7 मार्क के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो अब चालू करेंगे इस वीडियो को। इस वीडियो में क्या दिया गया, देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। इन ए बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर द लार्जेस्ट करंट फ्लो थ्रू, जो बाइपोलर जंक्शन जिसे हम BGT बोलते हैं, जो लार्जेस्ट करंट फ्लो करने के लिए वहां पर जो यूज इस्तेमाल करते हैं उसे एमिटर का कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एमिटर, इन द एमिटर। नेक्स्ट MCQ, LED एमिट्स विजिबल लाइट जो होते हैं, जिसमें से व्हाइट लाइट को पूछा गया है, जिसमें होल्स इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन होते हैं, रिकम्बाइन यानी वापस वहां पे आने के लिए, इट इज द होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, है ना। जो सेक्शन में हमारे डायग्राम में ऐसे होल्स होते हैं और हर एक होल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन जाके बैठता है, ठीक है ना। अब होल्स के अंदर जो बैठते हैं वो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होल जो होते हैं दोनों का कंबाइन होता है, यहाँ पे रिकम्बाइन होगा जाता है। सोलर सेल ऑपरेट्स ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ, जो सोलर सेल होता है वो किसके बेस पे चलता है, उसका जो प्रिंसिपल है वो है फोटोवोल्टेनिक एक्शन, ओके ना। ऑप्शन जो हमारे इसमें दिया गया है ऑप्शन नंबर सी है, फोटोवोल्टेनिक एक्शन। नेक्स्ट बुलियन एक्सप्रेशन फॉर एक्स और, ये देखो यहाँ पे एक्स और को कहा गया है। हमें पता है कि एक्स और क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे जितने भी लॉजिक गेट है, पूरे लॉजिक गेट में है कितने, सिर्फ 5 गेट है और 2 गेट है एक्स नॉर है और एक्स और, है ना। दूसरा कौन है, एक्स नॉर और दूसरा एक्स और, है ना। इनमें जो क्वेश्चन दिया गया है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आएगा ना, तो इनके बेस भी आएगा, एक्स नॉर, एक्स और नॉट और नॉट गेट, इतने जो भी है उसके बेस पे आए। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें कौन सा चाहिए, तो वो पूछ रहे हैं कि हमें बुल एक्सप्रेशन फॉर एक्सक्लूज, अच्छा है ना। तो उसके बेस पे हमें उसका ट्रू टेबल भी देख सकते हैं, हमें चाहिए होगा तो। तो जो फोर्थ वाला MCQ है, तो इसमें पूछा गया क्या है कि हमें जो बताया गया क्वेश्चन है, जो भी बताया जाएगा उसमें सबसे पहले हमें ट्रू टेबल, पूरे ट्रू टेबल याद चाहिए और पूरे ट्रू टेबल के साथ उसकी बुलियन एक्सप्रेशन याद चाहिए, ओके। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके बेस पे हम इस पे जो लॉजिक गेट है वो भी पढ़ेंगे और उसके बस पर उसका सिंबल भी। तो हमें जो गया है एक्स और गेट है, तो उसका सिंबल जो है ना वो ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा, ठीक है ना। बी, अब सर बी कैसे बचाना, जहाँ पर एक्स और एक्स नॉर है ना उसके एडिशन के ऊपर सर्कल क्रिएट हो सकता है, ठीक है ना। और इसका जो सिंबल देखना है ना, तो उसका सिंबल हमें यह इस तरह से देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इसमें भी इनपुट 2 होते हैं और आउटपुट 1 ही होता है, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, लॉजिक गेट में का सबसे आसान वाला क्वेश्चन। आगे जाएंगे फिफ्थ वाला MCQ। इन अ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन द ट्रांजिस्टर हैज एमिटर करंट ऑफ 10 mA एंड द कलेक्टर करंट ऑफ द 9.8 mA, द वैल्यू बेस अराउंड द करंट इज, ये जो क्वेश्चन है ना इसके लिए हमें, ये हमारे पूरे क्लास में लिए गए क्वेश्चन वाला है ये। तो देखो इसमें जो दिया गया पहले वाला जो इमीटर करंट यानी IE है, वो क्या है IE, एमिटर करंट यानी कौन होता है आई, कितना दिया गया 10 mA, है ना। तो कलेक्टर करंट यानी कौन है IC, जो कितना है 9.8 mA है। तो हमारा फॉर्मूला जो कौन है IB, बराबर ऐसे तो फॉर्मूला रियल वाला IE बराबर IB प्लस IC ऐसा है ना। तो हमारे यहाँ पे जो हमें IB निकालना है, तो IC कितना दिया गया 10 और ये कितना आ गया 9.8, और हमें कौन निकालना है IB निकालना है ना। इसको इधर भेज दो, यानी 10 - 9.8 बराबर क्या हो गया IB। तो जो IB हमें मिल रहा है तो कितना मिलेगा 0.2 mA, कितना मिलेगा 0.2, जो हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिखने मिला सेक्शन बी में मिल रहा है, ठीक है ना। जो आगे जाएंगे फॉर ट्रांजिस्टर बीटा 75 एंड IE यानी इमीटर करंट दिया गया है 7.5 mA, द वैल्यू ऑफ द अल्फा इज, अब इसका जो फॉर्मूला है तो हमें पहले से पता है, यहाँ पे हिंट भी दी गई है, ये जो क्वेश्चन की हिंट है ये तुम्हें दिया गया है 75, बीटा हमें 75 है तो बीटा की वैल्यू 75 रख दो, 7.5 दिया गया है, ओके। तो यहाँ पे हम इसका एडिशन इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका जो यहाँ पे 7.5 है ना, इसका जो आंसर है
0.987 है, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर, यहाँ पे आईसी दिया गया है, आई दिया गया है, तो हमें क्या करना है, बीटा निकालना है। तो यहाँ पे जो बीटा निकालने का फॉर्मूला है आईसी बाय आईबी, आईसी हमारे 5.5 दिया, 0.1 दिया, पॉइंट पॉइंट कैंसिल कर दो, ऊपर जो रह जाएगा वो 55 है और नीचे रहा है 1। अब 55 बाय 1 यानी कितना हो जाएगा, 55। तो ऑप्शन नंबर हमें कहाँ देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर हमें सी में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब हमें दिया गया है कि द आउटपुट इज लो, आउटपुट इज लो एंड इफ एंड ओनली इफ ऑल इनपुट्स आर लो। तो हमारा ये जो क्वेश्चन होगा वो और के लिए होगा, क्या होगा, और के लिए। तो हमें पता ही चाहिए कि और में जो होता है और क्या क्या होता है, तो हमें पता है वो और के लिए वाई बरूबर हमारा ए प्लस बी, इसका कौन है, बुलियन एक्सप्रेशन है, और इसके जो सिंबल फॉर्मेशन है वो इस तरह से है, आउटपुट इनपुट के लिए दो है ए और बी, और आउटपुट के लिए ये वाई प्लस ए प्लस बी, ठीक है ना। तो चलो आगे जाएंगे हम और के साथ। अगले क्वेश्चन है, वन मार्क्स का क्वेश्चन दिया गया, स्टडी इन टू एप्लीकेशन पर्पज ऑफ द डायोड। डायोड के दो यानी दो एप्लीकेशन पूछे गए हैं, तो हमें पता चाहिए एक तो फोटो डायोड है और दूसरा कौन सा है, सोलार सेल। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द कैपेसिटर फिल्टर इन द रेगुलेटेड पावर सप्लाई। यहाँ पे दिया गया कैपेसिटर फिल्टर रिमूव करने के लिए, एसी कंपोनेंट और रिपेल करने के लिए, दोनों जगह इसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है, तो ठीक है देखे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट लॉजिक, अभी तो नन गेट दिया गया है, एंड अभी नन गेट दिया गया है तो उसे क्या कहना, हमें पता है कि नन गेट के लिए पहले हमें एंड के लिए पता चाहिए, व्हाट इज द एंड, एंड क्या होता है, जो एंड होता है ना उसका जो एंड डी डी ऑप्शन है, तो उसका सिंबल डी की तरह निकालो, इसमें भी दो इनपुट है एक आउटपुट है, ओके। तो इसको नन, तो हमें क्या लगाया, आगे एन लगाया ना, तो यही सिंबल को यहाँ पे ओ लगाने का, जैसे कि जीरो लगा सकते हैं। इसका जो एंड का एक्सप्रेशन था वाई बरोबर क्या है, ए डॉट बी है ना, इसका क्या है ए डॉट बी, तो इसका क्या होगा ए डॉट बी बार, किसका है ये नन का, तो हमें यहाँ पर यही मिला है वाई बरोबर ए डॉट बी बार, ओके। विच मेथड इज बाय बायसिंग इज यूज्ड ऑपरेशन ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर। तो यहाँ पे दिया गया है द एमिटर बेस जंक्शन इज अ फॉरवर्ड बायस, विच कलेक्टर जंक्शन इज अ रिवर्स बायस, है ना। एमिटर बेस जो होता है, एमिटर बेस वो जंक्शन है जो फॉरवर्ड में है, और कलेक्टर बेस जो हमें क्या है, रिवर्स में दिया गया है, ठीक है ना। अभी पी एन पी एन पी एन ये जंक्शन के हमें ड्रॉइंग सर्किट देगा, ये देखो यहाँ पर क्या बताया है कि पी एन पी ट्रांजिस्टर बताया गया है, इसमें जो है पॉजिटिव निगेटिव जो फॉर्म है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव का है, जो पहला वाला है वो एमिटर होता है, दूसरा वाला बेस होता है, और एक बार एमिटर होता है, ठीक है ना। पर हम इसे क्या कहते हैं, कलेक्टर के फॉर्म में देखते हैं, एक जो एमिट करता है, एक कलेक्ट करता है, और ये उसका बेस है। सेम आगे वही डायग्राम होगा, पर एक पी एन पी था है ना, तो पी एन पी के साथ एन पी एन भी हमें दिखा जाएगा, ये और ए, बस इतना ही है कि इसके बेस मान अंदर चेंज हो जाएगी। चलो आगे जाएंगे, यहाँ पे दिया है ट्रांजिस्टर हमें सप्लाई एम्पलीफायर फैक्टर निकालना है, यानी बीटा आई सी बाय आई बी, आई सी हमें 15 दिया गया है और 0.5 पॉइंट निकाल दो, यहाँ पे 50 150 हो जाएगा, 5 1 5, 5 3 15 और 30 को 30, तो हमें क्या मिल जाएगा 30 30। आगे हमें नॉर गेट का यहाँ पे ट्रू टेबल निकालना है, हमें और पता होगा तो नॉर ऑटोमेटिक आ जाएगा, उसके अलग सा हो जाएगा, उल्टा हो। नॉर के लिए दो 0 0 1 1 0 1 0 1, याद रखो ये जो मेथड है ये हमें परमानेंटली याद होनी चाहिए। अभी देखो नॉर दिया गया है, नॉर के लिए हमें यहाँ पे बताया गया है, तो हमें और चाहिए पता, तो और के लिए फंक्शन जो ये दो ए और बी तो कॉमन ही रहेंगे, वहाँ पे रहेगा 0 1 1 1, ये हमारा आउटपुट फंक्शन है, तो इसके अपोजिट क्या होगा, 0 की जगह 1 आएगा, और 1 की जगह 0, 1 की जगह 0 1 की जगह, यही तुम्हारा कौन है आउटपुट डिवाइस है, किसका, नॉर गेट का। चलो आगे जाएंगे, अभी आपको पूछ रहे व्हाट इज द नीड ऑफ द रेक्टिफिकेशन इन रेगुलेटर ऑफ पावर सप्लाई। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है पावर सप्लाई की वैल्यू क्या होती है, पावर सप्लाई क्या क्या जरूरत है, तो याद रखो जो रेगुलेटर पावर सप्लाई होता है ना, रेक्टिफिकेशन इज नीडेड टू द एसी का डीसी वोल्टेज करने के लिए, एसी वोल्टेज का डीसी वोल्टेज, एसी का डीसी करने के लिए हमें यहाँ पे किसका इस्तेमाल किया जाता है, रेक्टिफिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है, ओके। क्वेश्चन नंबर टू है, ये तुम्हें फुल वेव रेक्टिफायर की डायग्राम दी गई, डायग्राम तो मैक्सिमम पूछते ही नहीं है इस चैप्टर से, तो भी याद रखो डायग्राम देख लीजिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, ये तुम्हारा कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है। चलो आगे यहाँ पे दिया गया है एडवांटेज ऑफ द फोटो डायोड, फोटो डायोड की एडवांटेज क्या क्या है, ठीक है ना। तो एक्स ये तो सिंपल सी बात है, एनी वन कौन सा भी डिवाइस होगा वो लाइट के हिसाब से
अब ये रिएक्शन करेगा, अच्छा होगा तो क्विक करेगा, खराब होगा तो थोड़ा लेट प्रोसेस करेगा, और चाइना वगैरह कुछ होगा तो बस चले तो आज नहीं तो कल तक, ठीक है आगे जाएंगे। द रिवर्स करंट इज लिनियरली प्रोपगेशन, बगा प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, एंड इसका मतलब क्या होता है कि लिनियर रिस्पॉन्स कितना दे सकता है, ठीक है ना। उसके बाद इसकी जो ऑपरेशन है, स्पीड ऑफ ऑपरेशन है ना, वो क्विक वेरी हाई होती है, लाइट वेट होता है, साइज इसकी बहुत छोटी होती है, कॉम्पैक्ट साइज होती है, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट यानी सभी इंपॉर्टेंट है इसमें से, बस जो इतने अच्छे और याद रह सकते हैं उसे याद कर लीजिए। वाइड स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स, यहाँ पे देखो इसका जो वाइड स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स है, जैसे फ्लोराइड की सिलिकॉन रिस्पॉन्स दे सकता है उस तरह, जिसका नैनोमीटर ज़्यादा 190 से 1100 तक, 190 नैनोमीटर से लेकर 1100 नैनोमीटर तक है, और रिलेटिवली इसकी जो कॉस्ट होती है ना वो वेरी लो होती है, फोटोडायोड की कॉस्ट कितनी होती है, बहुत कम होती है। अब उसका डिसएडवांटेज भी यहाँ पे, वो लो रिवर्स करंट और लो ल्यूमिनस लेवल में रह सकता है। उसके बाद बता रहा है कि ये पूरा सा पूरा अर्थ और टेम्परेचर डिपेंडेंट, सिमिलरली टू मेनी अदर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आल्सो, ठीक है ना। अब उसके फुल वेव रेक्टिफायर के एडवांटेज क्या है, ठीक है यहाँ पे देखिए, इसमें प्लेस इन द साइकिल ऑफ द एसी इनपुट, एफिशिएंसी ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर हायर देन दैट ऑफ द हाफ, हाफ से भी उसके हायर देन दैट होती है। यहाँ पे फुल और हाफ दोनों का कंपेरिजन किया गया है, रिपल फैक्टर जो होता है वो हाफ वेव से भी अलग होता है, ठीक है ना। कम से कम तीन तीन चार चार, कम से कम दो तो एडवांटेज और दो डिसएडवांटेज हमें याद रखने चाहिए कम से कम, ओके ना। तो यहाँ पे देखो डिफाइन करंट एप्लीकेशन फैक्टर दिया गया है, सबसे याद मैंने इसको बताया था अभी क्लास में, या आपने पढ़ा होगा अपने बुक में भी, ये जो होता है ना मैक्सिमम जो होता है, फिर एक कलेक्टर होता है, फिर एमिटर होता है, फिर देखो यहाँ पे बीटा का भी, फिर पहले कलेक्टर होता है फिर एमिटर होता है, इन दोनों का रिलेशन जब बनाते हैं तब तब हमने बता भी था कि इस दोनों में का जो डिवाइडेशन है वो है रिलेशन बिटवीन द अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा का जब हम रिलेशन करते हैं बच्चा लोग, तो डिवाइड रिलेशन करते समय देखो इसको आईसी से मल्टी डिवाइड किया जाए तो आई से ऐसे मल्टीप्लाई होकर 1 आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो बताया गया है डिवाइडिंग फ्रॉम 1 एंड 2, ये जो बताया रिलेशन है इसमें कभी एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, बस आपको याद रखना है कि इससे फार्मूला कौन सा बनता है, ठीक है ना। फार्मूले के लिए क्वेश्चन है ये, तुम्हारा ब्लॉक डायग्राम है सिंपल रेक्टिफिकेशन सर्किट की, जिसमें करंट फ्लो कैसा हो तो बताया गया है, ठीक है ना। ये ट्रू टेबल है, अभी बुलियन एक्सप्रेशन फॉर दिस वन, अभी दिए गए क्वेश्चन में हमें अलग अलग से बुलियन एक्सप्रेशन दिए जाते हैं, तो मैं उसका डायग्राम का सिंबल याद रखो, इसमें ट्रू टेबल का जो क्वेश्चन यानी सादा सिंपल से लॉजिक गेट है, जितने भी लॉजिक गेट है पूरे लॉजिक गेट के सिंबल याद रखो, उसके बाद बुलियन एक्सप्रेशन याद रखो, उसके बाद उसका ट्रू टेबल याद रखो, ठीक है ना। और मैक्सिमम जितने भी डायोड्स दिए गए, जनरल डायोड है, फोटो डायोड है, सोलर सेल है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज उनका सिंबल याद मान आपको कम से कम याद रखना चाहिए 1 1 2 2 मार्क्स के लिए, ठीक है ना। 3 मार्क्स के लिए दिया गया हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, क्यों रेक्टिफायर सॉरी। तो आगे देख लो ये उसका है, ये ऐसे क्वेश्चन थ्योरी के लिए पूछे नहीं जाते हैं, पर तो भी याद रखिए, ये तुम्हारा जो दिखा गया है सोलर सेल की स्ट्रक्चर है, सोलर सेल के बारे में और वर्किंग सिस्टम है, ठीक है ये तो इस तरह से आपको थोड़ा सा एलईडी की वर्किंग यहाँ पे दी गई है, एलईडी की एक्सप्लेनेशन आपको याद चाहिए, एलईडी क्या काम करती है ये भी आपको याद चाहिए, वर्किंग ऑफ एलईडी, वर्किंग ऑफ द प्रिंसिपल फोटोडायोड की प्रिंसिपल क्या होता है ना। तो ये इसके डायग्राम एंड वर्किंग है, वर्किंग इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, तो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे जो क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है ना। उसके बेस पे हम पूरा ले लेंगे, ये तुम्हारा कौन सा गेट है पता चाहिए, नॉट गेट ऑफ द सिंबल है, नॉट गेट व्हाट इज द लॉजिक गेट है, उसका सिंबल क्या आता है, उसके लिए उसे क्यों लॉजिक गेट किया गया है, उसमें रिवर्स प्रोसेस होती है नहीं है, ये नॉट वाला है, ये जो जीरो वाली 1 1 का 0 होता है, ये आपका रीजन यहाँ पे दिया गया है। बहुत इजी से क्वेश्चन है, ये पीएनपी जंक्शन है, उसके सिंबल सर्किट के साथ। नेक्स्ट आगे जाएंगे हम वेरी ही वीकली, यहाँ पे दिया गया है डॉट ड्रॉ द सर्किट फॉर सिंबल ऑफ द एनपीएन एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर, 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन, व्हाट इज द हेल्प ऑफ द नीट डायग्राम एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द पीएनपी ट्रांजिस्टर, ठीक है। ये हमें दिया गया वाला क्वेश्चन है जिसमें हम जंक्शन की पढ़ाई कर रही है पीएनपी और एनपीएन, सो ये बहुत इजी वाला क्वेश्चन है, ज्यादा मार्क्स के लिए नहीं है, इसलिए हम इसकी वर्किंग ज्यादा नहीं पढ़े तो भी चलेगा। यहाँ पे एम्पलीफायर की वर्किंग पूछी गई है, इसमें रिलेशन पूछा जा सकता है, बस उसके बेस में हम पे यहाँ पे पढ़ाई करनी है, फोटोडायोड क्या होता है, फोटोडायोड के एडवांटेज क्या है और उसके डिसएडवांटेज क्या है, ये हमारा है कॉमन, तो यहाँ पे तुम्हें कॉमन इमिटर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस सेशन पूछा जाएगा है, इसका ये जो ग्राफिक फॉर्म होता है जो इनपुट के लिए बढ़ता है या कम होता है, माइक्रो एम्पियर में करंट दिया गया है,
उसके बेस पे कुछ पूछा जा सकता है। द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ये हमारा है, जैसे जैसे हमारा करंट बढ़ेगा वैसे हमारा वोल्टेज बढ़ने की भी वैल्यू जो होती है वो बढ़ सकती है, ठीक है ना। इस तरह से लास्ट वाला क्वेश्चन है, आगे हम जब जाएंगे जब उसका नया सेक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। अभी तक जो दिया गया इस चैप्टर के हिसाब से आप पढ़ाई करें, बहुत दिन कम है, तो हम नेक्स्ट वीडियो आगे लेके आएंगे। तो आज के लिए